हेलो साथियों, नमस्कार। गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे सभी युवाओं के लिए खुशखबरी। साथियों, हम आपको बता दें कि इंडिया पोस्ट में नई भर्ती निकाली गई है और जिसमें कुल पद हैं 12,828। और इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि कोई परीक्षा या एग्ज़ाम नहीं होना है, केवल मेरिट के आधार पर ये भर्ती होनी है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। तो बता दें कि ब्रांच पोस्ट मास्टर एवं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद इसमें निकाले गए हैं, उस पदों के लिए भर्ती होनी है। और सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन टैब को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय से मिल सके। तो साथियों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, हम आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता है हाई स्कूल यानी 10th पास होना चाहिए अभ्यर्थी को, तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 वर्ष यानी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, और इसमें नियमानुसार छूट भी आयु सीमा में दी जाएगी। साथियों, वेतनमान की बात करें कि तो ₹10,000 से लेकर 29,390 इसमें वेतनमान मिलेगा इन पदों के लिए। और चयन प्रक्रिया की बात करें तो आवेदन के आधार पर शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों की मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट के आधार पर आपको नियुक्ति दी जाएगी, यानी कोई इसमें एग्ज़ाम नहीं होना है, मेरिट के आधार पर होगा। साथियों, हम आपको बता दें कि आवेदन की अंतिम तिथि है 11 जून 2023। तो जल्दी से अपना आवेदन ऑनलाइन कर दीजिए। तो साथियों, इसके आवेदन शुल्क है यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी है ₹100 यानी ₹100। तो इस ये शुल्क ऑनलाइन जमा होगा। और अब वेबसाइट जिस पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं और साथ ही विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो वेबसाइट है www.indiapostgdsonline.gov.in। तो इस पे आप लॉगिन कर सकते हैं। साथियों, हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू सो मच।